वेलकम बैक टू माय चैनल सिंचन फैमिली। राधे राधे मेरे जितने भी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार, छोटों को आशीर्वाद, नए दोस्तों को मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें इमरजेंसी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के वीडियो में। नहीं, आज का पार्ट वन है, फिर आगे जाके पार्ट टू थ्री फोर जो होगा सब कुछ दिखाऊंगी। तो साथ में मेरी बड़ी दीदी है और बहुत अच्छा गुड न्यूज़ भी है। मैं सोचती हूँ कि ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आशा करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सारे लोग मेरे साथ एक बार बोलिए, नूतन सकाल नूतन आलो, सबाई मिले थकबो भलो, गुटि गुटि पाई तुम्हारा सबाई हमार पास एगिए चलो। तो दोस्तों प्लीज़ ब्लेसिंग आज, हमें मतलब बहुत 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 एक ज़रूरी काम है। और अभी मैं ये वॉइस दे रही हूँ, ये मतलब हम लोग जहाँ जाने वाले थे वहाँ पहुँच गए। ये परसों का वीडियो है, मैं आज डाल रही हूँ। तो साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट में। और आगे देखते रहिए क्या होता है नहीं होता है। और अगले 10 दिन तक आपको एक के बाद एक पार्ट वन से लेकर 10 तक वीडियो मिलेगा। तो साथ रहिए दोस्तों। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लाइट। तो उसके बाद जाके हम लोगों को एयरपोर्ट में 7.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर हम लोगों का सेकंड फ्लाइट मतलब शाम के 5:20 पर है। और कोई बात नहीं, टाइम पास हो जाएगा। और सब रहे हम लोग ना घर से निकले 5 बजे, क्योंकि एयरपोर्ट ऐसे तो रिपोर्टिंग 2 घंटा पहले करना पड़ता है। और एयरपोर्ट की दूरी मेरे घर से 40 मिनट की दूरी है, तो इसलिए हम लोग 5 बजे निकले थे। हमारे 8:20 को फ्लाइट था। तो देख ही सकते हैं अभी इस वाले फ्लाइट से उतर के हम लोगों को मतलब पता नहीं है 7.5 घंटा हम लोग कैसे गुजारेंगे। कोई बात नहीं, जीजा जी साथ है, हम इतने सारे लोग साथ हैं, हंसी मजाक में टाइम गुजार ही जाएगा। जहाँ पर जीजा जी है वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। जीजा जी हम लोग के साथ रहने से टाइम कैसे गुजर जाता पता ही नहीं चलता। तो देखिए गुड़िया बेटी भी अंदर खुश हो रही है, अभी लैंडिंग के टाइम है इसलिए खुश हो रही है, क्योंकि कितना सवेरे जागना पड़ा। तो साथ रहिए, क्या हो रहा है एयरपोर्ट में देखिए। तो एत खबर आनलि क्या दीदी, এখানে দাম বেশি। না না, অমকে নয় অমকে নয়, টাকা পয়সা বাচ্চাদের হাতে না, বাচ্চার মাকে দিতে হয়, বাচ্চার মার হাতে দিতে হয়। না মা, এতগুলো আনলি কেন, কি আনলি? আমি খাবো না, আমাকে দিবি না, কিন্তু আমি খাই না ছাতা মাথা। এইভাবে এয়ারপোর্ট বসে বসে টাকা খরচা হচ্ছে, তুমি কিছু বলতে পারো না? বলো কুছ বলি, আপকি বেবি কাপ সে পয়সা উড়া রিয়ে ইয়ে খাই। আমি খাবো না, আমার 1 লাখ টাকা দিলে আমি খাবো না। দিদি এই লুকাচ্ছে, শুনো শুনো শুনো, ওরা সবাই তাকে পাঁচজনই প্যাসেঞ্জার, প্যাসেঞ্জারই নাই।
तो अभी हम लोग चल रहे हैं सेकंड वाले फ्लाइट में, अभी जाके जर्नी खत्म होगा। तो देखिए फ्लाइट में क्या कर रहे नहीं कर रहे। तो फ्लाइट में पैसेंजर आज कम ही था, तो अच्छा ही हुआ, हम लोग बहुत मौज मस्ती करते करते गए। लेकिन सब लोग बहुत टायर्ड थे सवेरे से लेके, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में आना पड़े। तो घर में जितना भी खाना वगैरह था हम लोग पूरा बना बुना के घर से ज़्यादा खाना बना के लाए। परोठा चावल मतलब सब्जी वगैरह जो जो था, फ्रूट जितना था सब कुछ काट के हम लोग लेके आ गए। तो चलिए एयरपोर्ट में बैठ के तो खाना बना हो गया, लेकिन फिर भी सब लोग बहुत टायर्ड है। तो देखिए आगे क्या हो रहा है, कहाँ उतर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लैंडिंग हो गया, अभी उतरने की बारी है। अमर बैगटा नाम ही ना, तुम बेरोबो ना, कृष्णा बेरोबो ना, हमरा मत जाओ है ना। जानी कैसा रहा। আমার ব্যাগ এখানে, তুমি সব সময়। আচ্ছা না, আমি করবো রেকর্ডিং। তোমার কোনো প্রবলেম আছে? এটার মধ্যে আছে। ওমা আমার ব্যাগ কোথায়? মেস ও ও নিয়ে গেছে, ঠিক আছে। কৃষ্ণাকে দেখাই যাচ্ছে। नमस्कार, बस लेकिन क्या हुआ सामान आप खुद हॉल बेल नंबर 1 से प्राप्त कर सकते हैं। डियर गेस्ट, योर चिप नेटिस टू बी इन द एंट्री ऑफ बेल नंबर 1 एक नंबर दे दिया जैसे सामान बाय द लवली स्टे एट भुवनेश्वर। लगेज एक नंबर पे बाहर हो गए। टुटुल করে চলে আসলাম আমরা ভুবনেশ্বর। ভুবন जहां पर ईश्वर रहता है उसी जगह का नाम है भुवनेश्वर। बहुत खुशी फील हो रही है, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए हम लोग इधर आए हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मेरी दीदी का। मेरी दीदी मेरे घर में घूमने के लिए आई थी, लेकिन अचानक से हम लोगों का इमरजेंसी एक काम आ गया इधर आने के लिए। तो दीदी बोली चल इस बार तेरे घर में नहीं घूमना है, चल चलते हैं तुम लोगों के साथ। तो दीदी मेरी माँ के जैसे और जीजा जी मेरे पापा के जैसे सपोर्ट में खड़े रहे हैं हम लोगों के साथ इधर आ गए। तो देखिए बहुत मस्ती हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखिए आगे बहुत कुछ है और कंटिन्यू वीडियो देखिएगा अगले 10 दिन तक। आज आगे 2, 3, 4 से लेकर 10 तक जरूर देखिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा क्या है नहीं है। तो दोस्तों प्लीज फिर से बोलो मेरी ब्लेसिंग है, आज ब्लेसिंग है, प्लीज भगवान हमको बोले हाँ वाला जिस काम के लिए एक नंबर पे दिया है हम लोग, तो ठीक है साथ रहिए। পড়ছে নি চামচটা দিয়ে, সুন্দর চামচটা দিয়ে পড়ছে নি। এয়ারপোর্টে বসে কাটছে দেখি ফুটে দিল নিচে। कहाँ चले, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ सब लोग। जीजा जी, जीजा जी,
तो हम लोगों को आप लोग तो कंटिन्यू दिखा रही हो, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया जो घर से बना के लाई थी। तो इधर मैं और ओम थी, टायर्ड थी ना इसलिए और परेशान भी हो रही, तो उसी मौके पे चौका मार लिया कृष्णा ने। उधर क्रिकेट टीम वाले भी आए थे प्लेयर लोग, तो उसी प्लेयर्स लोगों के बीच में कृष्णा जाके फ़ोटो ले लिया, उन लोगों का ऑटोग्राफ वगैरह ले लिया। और जो धवन तो धवन का सबसे बड़ा फ़ैन ओम था, तो ओम ने ही फ़ोटो खींच पाया, तब तक वो लोग मतलब जा चुके थे हम लोग जाते जाते। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे फिर से कभी ना कभी फिर से मुलाकात होगा ऐसे आना जाना रहने से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सबसे अवश्य कीजिए, और फिर से बोलूँगी ब्लेसिंग कीजिए। तो अभी सेकंड फ्लाइट में हम लोग बैठ चुके हैं, अभी जाने की बारी है, मतलब ऑन ही जा रहा है अभी, मतलब शरीर इतना मतलब बेहाल हो रहा है। आप लोगों ने तो देखे जो भी हो मतलब टायर्ड तो सब लोग हैं, तो जब तक जाके उधर जाके सेट नहीं हो रहे तब तक मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे भी मतलब परेशान तो नहीं कर रहे, लेकिन पता तो चलता है ना बच्चों के चेहरे से कि बच्चे भी मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं। तो चलिए आखिरकार हम लोग का लैंडिंग हो गया, तो पता नहीं श्री कृष्ण क्या करेंगे, भगवान साथ रहे, जिस काम के लिए आए वो काम अच्छे से पूरा हो। तो वही दोस्तों आप लोगों का पूरा वीडियो शेयर कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पूरा अगर पूरा ही डाल दूँगी तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो दिखाऊँ। तो देखिए अभी हम लोग उतरने वाले हैं, तो हम लोग उतर भी गए, मतलब अभी चल नहीं पा रही इतना टायर्ड हो। तो देखिए चल रहा है हम लोगों का टैक्सी बुकिंग, तो कहाँ जाएंगे अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, टैक्सी कौन सा ले प्रीपेड। तो इधर देखिए गुड़िया बेटी, ये ओम बेटा, ये कृष्णा बेटा, वो मेरी दीदी, और इधर है जीजा जी और ओम के पापा। देख ही सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अभी खड़े हैं हम लोग टैक्सी के इंतजार में, टैक्सी आ जाएगा बाम दीजिए कलर वाली। इधर कृष्णा भी मुझे सूझ बोलने के लिए आ गया, तो हम लोग इधर इंतजार कर रहे टैक्सी के लिए, प्रीपेड टैक्सी बुक कर लिया एयरपोर्ट से हम लोग। अभी चले साथ ही आगे क्या होता है दिखा रही हूँ। अभी हम लोग बैठ गए टैक्सी पे, अभी जा रहे हैं होटल की तरह। लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज का पार्ट वन वीडियो यही तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कल फिर याद करके आ जाएगा मेरा चैनल पे वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी, सब लोग बोलिए जय श्री कृष्णा।